English level one. Oh my God, ito yung drum. Kaya na, andyan na sa lahat. Kaya, chasu, ulilita po siya. Tas may istri, kurabi naman. Kurabi, Gaura Chandraya, Radhika, Sadalaya. Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namonam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Bola Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 हम लोग श्री गुरु जी की अनुगत्य में श्री गोवर्धन गिरिराज परिक्रमा करते करते अभी जहाँ पर पहुंचे हैं ये कुंड का नाम किल्लोला कुंड है बात किल्लोला कुंड बात किल्लोला कुंज है अभी अभी हम भजन कर रहे थे जय जय राधा रमण हरि बोल करे कालिंद कुंज किल्लोल जय जय राधा रमण हरि बोल इसलिए कृष्ण कभी सखाओं को साथ में भी यहीं पर ये उनकी गैया चरण का स्थान है और यहाँ पर भी कृष्ण ब्रज गोपियों को साथ में गिरिराज गोवर्धन में उन्होंने यहाँ पर बासुकी रास रचाए और यहाँ पर कृष्ण का अनंत अनंत लीलाएं भगवान की यहाँ पर हुई है गोस्वामी लोग तो केवल शास्त्र में जो गोविंद लीलामृत कृष्ण भावनामृत हमारे गोस्वामियों ने जो जो लीला वर्णना किया है कहते केवल उन्होंने थोड़ी सी इंगित दिया है एक दिन का भी लीला नहीं वो बहुत इंगित थोड़ी सी दिया है लेकिन जब हम साधन करेंगे साधन करते करते हमारा हृदय जब निर्मल हो जाएगा फिर तो जैसे टीवी में हम सीरियल देखते हैं ऐसे ही हमारा हृदय में जैसे प्रेमा जनत छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हमारा दिव्य हृदय में भगवान की जो दिव्य झांकियां जैसे टीवी में सीरियल देखते ऐसे लीला हमारा हृदय में बहने लग जाए और उसमें ऐसे भक्त लोग डूब जाते हैं ऐसे समाज में बैठ जाते पता नहीं कितने कितने काल उनका बीत जाती है इसलिए कृष्ण यहाँ पर कभी सखाओं को साथ में आकर के कृष्ण कभी ये कुंड में कभी कृष्ण क्रीड़ा करते थे जल विहार करते थे आप लोग तो अभी शहर हो गया गाँव तो है नहीं जिन लोगों का गांव में रहने वाले उन लोगों को पता है पानी के अंदर में बच्चे लोग कितने कितने तरह का खेलते हैं थोड़ा तो स्विमिंग पूल बना दिया लेकिन वो भी कुछ नहीं स्विमिंग पूल में वो आनंद नहीं तालाब में नहाने पर जो आनंद है इसलिए कभी कभी सखा लोग ये किल्लोल कुंड में कभी खेलते थे खेलते खेलते कभी बोलते थे देखो कौन कितने समय तक डूब करके रह सकता है पानी के अंदर में इसलिए एक साथ में डूबते थे इसलिए डूब करके कभी राधा कृष्ण कभी कंपटीशन होता था राधा रानी बोलती थी कौन ज्यादा समय डूब कर रहा था कृष्ण ना राधा रानी इसलिए क्या होता था कभी जैसे कृष्ण डूबे हुए राधा रानी तो डूबे लेकिन बीच में भी उठ जाती है उठ करके सखियों को बोलती बोलना नहीं मैं उठ गया था फिर कृष्ण उठने से पहले फिर दोबारा डूब जाती है कृष्ण जब उठते थे देखते राधा रानी अभी तक उठी नहीं फिर कृष्ण क्या करते फिर डूब जाते थे इसलिए ऐसे इसमें डुबकी लगाया करते थे और कभी कभी यहाँ पर जल विहार करते समय रास को बाद में कभी कभी जल विहार करते हैं इसलिए भगवान का जो पांच तरह का जो विशेष लीला बताया गया जिसको कुंज विहार जिसका नौका विहार जिसको मधुबान जिसको झुलन झुलन लीला जिसमें जिसमें जल विहार जो महाराष्ट्र को बाद में जल विहार करते हैं कोई एक अपराधित दिव्य लीला जिसको हम सुनने के लायक भी थे और दिव्य लीला को और यहाँ पर श्री वृंदा देवी भी सुंदर सुंदर यहाँ पर कुंज बनाया करती है इतने सुंदर कुंज बनाते जो केवल फूलों की फूलों की कुंज है जिसमें केवल बते बते ही कुंज जिसमें अद्भुत कुंज है इसलिए
कहते कभी कभी कृष्णा, कभी यहाँ पर लीला करते करते कभी कृष्णा जाकर कभी कभी छुपते हैं। बोले कौन सा? बोले नीला कुंज है, ऐसे कुंज है जिसका रंग नील रहते हैं। और कृष्ण कभी जाकर छुप जाते हैं, राधा रानी कभी ढूंढते ढूंढते मिलते हैं। कभी कभी राधा रानी जाकर के छुप जाती है, छुप जाते तो बोले कौन सा कुंज है? राधा रानी छुपती है, बोलती है स्वर्ण स्वर्णाम्बु, जिसमें एकदम गोल्डन कलर का कुंज है। राधा रानी का रंग और कुंज का रंग एकदम बराबर होता है। हाँ, जहाँ पर कृष्ण ढूंढते ढूंढते राधा रानी को मिलते हैं, जब मिलते नहीं, लेकिन वृंदावन के जितने लता बता कहते हैं ना, वृंदावन के वृक्षों को मरम ना जाने कोई, डाल डाल और पत्ते पत्ते श्री राधे राधे होई। इसलिए अभी जितने यहाँ के लते पत्ते सबके सब राधा रानी के भाव से, सखियों के भाव में सबके सब विभावित है। इसलिए जब राधा रानी कभी छुप जाती है, कृष्ण को मिलते नहीं, जब मिलते नहीं, लेकिन राधा रानी जो स्त्रियां भी बहुत तरह के होते हैं। एक स्त्रियां होती है पद्मिनी, पद्मिनी मतलब होता है जिनकी जो चाल है, जिनकी हाँ जो गजगामिनी, और जैसे राधा रानी का जो चाल है, कहते हैं कि हंसिनी गजिनी संकिनी, अलग अलग चाल है। इसलिए राधा रानी एक पद्मिनी है और एक गजिनी है। इसे पद्मिनी मतलब जिनके शरीर से कमल फूल का खुशबू निकलती है। राधा रानी तो कभी छुपती है, लेकिन शरीर से निकलती है कमल फूल का खुशबू। और भ्रमर क्या करते हैं, वो आकर के राधा रानी जा छुप गई, उसको ऊपर में मंडन लग जाते हैं। और वहाँ के जो लताएं हैं वो राधा रानी का गोपियों के भाव में विभाजित है, इसलिए कभी वो हिलने लग जाते हैं। मतलब कृष्ण को इशारा करते हैं, राधा रानी यही पर छुपी है। फिर कृष्ण जाकर के राधा रानी को निकालते हैं। कभी कभी राधा रानी जाकर कुंज में छुपती है। अभी आप लोग कभी लुका छुपी कभी खेले होंगे। अभी कृष्ण ढूंढ रहे राधा रानी कहाँ पर, लेकिन राधा रानी मिल नहीं रहे। इतने में कृष्ण का जो सखा, जो सुबल सखा, कहते अरे तुम किसको ढूंढ रहे? राधा रानी को ढूंढने का तेरे को तरीका नहीं आता है। बोले कैसे? बोले राधा रानी जब चल कर तो जाएगी, अभी जो राधा रानी चल करके जाएगी, राधा रानी का चरण में कुछ निशान है, कृष्ण का बाण चरण में जो निशान, राधा रानी का दान चरण में, राधा रानी का दान चरण में जो निशान, कृष्ण का बाण चरण में। इसलिए सब निशान बताया क्या क्या राधा रानी का चरण में निशान है। इसलिए कहते अरे ढूंढना, ऊपर देख, मुंह उठा करके ढूंढ रहे, नीचे देखो। बोले क्यों? बोले राधा रानी चल करके गई। जब राधा रानी चल करके गई, राधा रानी का चरण का छाप पड़ा हुआ है। हाँ, बोलते अनाराध्य राधा पदा भोज रेणु, अनाश्रित वृंदावन तत् अटवी, असंभाष तत् भाव गंभीर चिता, कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगाह। अगर कृष्ण रस रूपी समुद्र में कोई गोता लगाना चाहते हैं, बोले क्या करे? बोले राधा रानी के चरण की आश्रय ग्रहण करे। और राधा रानी के चरण के द्वारा अंकित जो ये वृंदावन धाम, ये वृंदावन धाम को आश्रय ग्रहण करे। और राधा रानी रस में जो डूबे हुए हैं, ऐसे भक्तों का उनसे हरि कथा श्रवण करे। इसलिए राधा रानी चरण देखो, चरण से पता चले जाएगा कहाँ पर गए। कृष्ण का बात एकदम सही बात बताए, सचमुच कृष्ण ढूंढने लगे। ढूंढने लगे तो देखा राधा रानी का चरण का छाप पट गया। आज जिसे कुंज में प्रवेश किया है, उसे कुंज में कृष्ण जाकर के सीधे राधा रानी को पकड़ते हैं। कभी कभी हाँ, कभी कभी राधा रानी जब कभी छुपती है, इसलिए लुका छुरी खेलते हैं। बचपन में आप लोग खेले होंगे, एक चोर बनता है, दूसरे दूसरे जाकर कुंज में छुपते हैं। अभी जो चोर बने, कहते उनका आंख को कौन ऐसे बंद करते हैं? बोले कौन बंद करते? बोले सखियां। अभी कृष्णा अभी चोर बने, जब कृष्णा चोर बने, अभी राधा रानी हाँ, अभी राधा रानी चोर बनी है, अभी कृष्ण छुपे कहीं। जब कृष्ण छुपे, अभी राधा रानी का आंख कौन बंद कर रहे? बोले ललिता। कभी सखियों का काम किया है, बोले सखियों का काम है उनको राधा कृष्ण को मिलन कराना। वो डायरेक्ट मिलना नहीं चाहती है, राधा कृष्ण को मिलन कराना इनका काम है। इसलिए अभी कृष्ण कौन सा कुंज में प्रवेश किए, आंख पूरा बंद करो तब तक दिखेगा नहीं।
लेकिन ललिता हाथ बंद करती है, बोले कैसे हाथ बंद करती है, ऐसे हाँ ये अब्दुल को खोल देती है, ऐसे अब्दुल खोल देती, थोड़ी आंख बंद होता सब तो दिखता है। इसलिए कहते श्री राधा रानी ने देख लिया कृष्ण कौन सा कुंज में छुपे, और देख लिया एक बंद किया ही नहीं और ऐसे बंद किया। अभी सीधा राधा रानी जाकर के कृष्ण जो कुंज में प्रवेश किए थे उसी कुंज में सीधा पकड़ लिए। अभी कृष्ण चोर बने, जब कृष्ण चोर बने अभी राधा रानी सखियों के साथ में उन्होंने कहीं छुपे, और ललिता हाथ बंद किया तो ऐसे हाथ बंद किया और ऐसे नहीं ऐसे खोल कर आग बंद किया। देख लिया कृष्ण सबके सब राधा रानी कहाँ है। अभी राधा रानी सखियों के साथ में जब छुपे इतने में कृष्ण को छोड़े, लेकिन वृंदा देवी इतने चमत्कार का कुंज बनाया, हाँ वो केवल अपराध जगत में संभव, यहाँ पर तो संभव है ही नहीं। जिस जब वो कुंज में प्रवेश करे वो कुंज का रंग और इनका रंग एकदम बराबर हो जाता है। अभी कृष्ण तो देखा राधा रानी ये कुंज में प्रवेश किया है, उन्होंने देखा। अभी कृष्ण सीधा आए, जब कुहु मारे कुहु शब्द बोले, अभी कृष्ण को छोड़े कृष्ण आए। राधा रानी सखियों के साथ में यहीं पर है, कृष्ण यहाँ पर खड़े हुए, उन्होंने देखा ये कुंज में प्रवेश किया, लेकिन वहां जाकर देखा दिख नहीं रहे। राधा रानी यहीं पर है, मतलब इतना अद्भुत कुंज है जिसका रंग और इनका रंग एकदम बराबर हो जाता है, वो देख नहीं पाते पास से रह करके, लेकिन जो कुंज के अंदर में वो देख सकते हैं, लेकिन कुंज का बाहर का व्यक्ति देख नहीं सकते। इतने में राधा रानी सखियों ने देख लिया जब कृष्ण एकदम पास में आगे अभी पकड़ लेंगे, इतने में जो सखियां अब राधा रानी अभी वो कुंज से अब दूसरे कुंज जाने लगे। जब जाने लगे वो तो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन ये सब सखियों को पैर में नुपुर हुए। अब जो चलने लगे नुपुर की छम 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 नुपुर का आवाज होने लगा। कृष्ण ने सोचा कि यह कुंज चल रहे हैं, हाँ कोई तो है नहीं कि कुंज चल रहा है। कृष्ण समझ गए ये कुंज में सब सखियां हैं। अभी कृष्ण कुंज में प्रवेश किया और सखियां तो वो कुंज से दूसरे कुंज चली गई, लेकिन राधा रानी रह गई पीछे, क्योंकि राधा रानी का चाल है गजगर, गजगर यानी मतलब जैसे हाथी जैसे चाल है, तभी स्त्रियों के लिए एक ही सुंदर चाल है। हाँ हाथी को देखे हुए कैसे हाथी चलते हैं, इसलिए वो हाथी का अब राधा रानी पड़ गई पीछे। कृष्ण ऐसे ऐसे करते करते राधा रानी को सर में हाथ लगा, हाँ हाथ लगा तो इतने में उन्होंने राधा रानी को पकड़ लिए। ऐसे ही यहाँ पर श्री श्याम सुंदर यहाँ पर तरह तरह से यहाँ पर कृष्ण जल क्रीड़ा करते थे सखाओं के साथ में, तरह तरह से क्रीड़ा करते थे। कभी कभी राधा रानी जब छुपती थी, कभी जल विहार करते करते राधा रानी जब छुपती थी, जब यहाँ पर जो वृंदा देवी अपूर्व यहाँ पर कुंड बनाती थी जिसमें चार तरह का कमल खिले हुए होते थे, और जहाँ पर राजहंस क्रीड़ा करते हैं, चार तरफ में जितने फूल लता बताओ ऐसे कवि कर्णपुर वर्णना करते हैं। हमको पता है एक वृक्ष में एक तरह का बता हो सकता है, नहीं तो एक तरह का फूल, लेकिन एक के वृक्ष में जंजुई बेली चमली मालती एक के वृक्ष में। और यहाँ के जो तोते चिड़िए हैं वो ऐसे नहीं कू के का कू का नहीं करते, बोले क्या करते हैं, बोले सबके सब राधा कृष्ण की वर्णन करते हैं, राधा रानी की कीर्तन करते हैं सबके सब। इसलिए और यहाँ पर कुंड का चारों तरफ सुंदर सुंदर दो वृक्ष में झूला पड़ा हुआ रहता है, जिसमें राधा कृष्ण जिसमें झूले में बैठी करके जहाँ पर झूले झूलते हैं, हाँ और झूले झूलते समय उसका परछाई पानी के अंदर में पड़ता है, जैसे ऊपर तो झूल रहे लगता है जैसे नीचे भी झूल रहे, ऐसे अद्भुत अद्भुत। इसलिए कभी राधा रानी अगर जब छुपती है कभी जाकर के जहाँ पर कमल फूल जहाँ स्वर्ण कमल यहाँ पर खिला हुआ, राधा रानी जाकर के उसी के अंदर में छुप जाती है पानी के अंदर में, और उनका सारे अक्षर को कमल कमल के साथ उदाहरण दिया, और राधा रानी का मुख कमल और कमल स्वर्ण कमल कभी कभी एक हो जाता है। कृष्ण ढूंढ ढूंढ कर भी नहीं मिलता है, फिर राधा रानी जब कृष्ण जब छुपते हैं वो भी जाकर के नील कमल के अंदर में अपना मुंह को ऊंचा करके ऐसे खड़े रहते हैं, राधा रानी को भी ढूंढ ढूंढ नहीं मिलता है। जब राधा रानी बोलते हम हार गई हूँ, फिर कृष्ण प्रकट होते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण अपूर्व अपूर्व हमारे शास्त्र में गोस्वामियों ने अद्भुत अद्भुत लीलाएं वर्णना की। इसलिए हम लोग श्री गिरिराज तलहटी में हम लोग आए श्री गिरिराज प्रार्थना करे। हे गिरिराज जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी बोले, क्या बोले,
अद्भुत लीला की, इसलिए आप ये गिरिराज गोवर्धन इतने महत्व इनके कृपा के बगैर राधा रानी करती हैं, हंता है अत्रिय हरिदास वर्ज, इसलिए ये हरिदास वर्ज है। इसलिए कहते तुम्हारी कृपा के बगैर श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर सनातन गोस्वामी टीका में लिखते है, महत कृपा बिना कौन कर्म भक्ति न है, कृष्ण भक्ति दूर रहो संसार ना है। पर जब तक किसी महत व्यक्ति का कृपा नहीं हो, भले ही हम इतने साधन भजन कर ले, कृष्ण रस भाविता मति प्रियतम सुतो विजते लभते तत्र लोष फुल्लमे कलम कोटि सुकृतिर अपि न लभते। कर्ण कर सुकृति योग द्वारा जो वस्तु प्राप्त नहीं, वो प्राप्त शुद्ध भक्तों का संग से। और सबसे बड़े शुद्ध भक्त कौन है? राधा रानी बोलती थी गिरिराज गोवर्धन सबसे बड़े भक्त है, इसलिए हरिदास वर्ज्य है, इसलिए सबसे बड़े भक्त है। इसलिए राधा रानी सखिया कहती है, चलो हम सबके सब श्री मानसी गंगा में स्नान करेंगे, मानसी गंगा में स्नान करेंगे, देव को दर्शन करेंगे, श्री गिरिराज गोवर्धन से प्रार्थना करेंगे, अगर इनकी कृपा अगर हो जाए तो हमारा हृदय में वो सारे विलास पूर्ति होगी और कृष्ण का चरण हमें प्राप्त हो सकता है। इसलिए सबके सब गिरिराज तलेटी में सबके सब आश्रय वाला है, इसलिए हम भी गुरु जी के अनुगत्य में श्री गिरिराज हम भी आए हैं, हम भी गिरिराज से प्रार्थना करें। हमारा हृदय में बहुत अनर्थ है, बहुत कामना वासना, गिरिराज का कृपा होगा तो वो असंभव भी संभव श्री गिरिराज की कृपा और श्री गुरु जी की कृपा हो जाएगी। कृपा